आरोग्य जागृति। दोस्तों, सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल औरंगाबाद हमेशा नया और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, आरोग्य जागृति के पिछले एपिसोड में डेक्टाकार्डिया जैसी पेचीदा हार्ट सर्जरी को धूत हॉस्पिटल के डॉक्टर और उनकी टीम ने बखूबी अंजाम दिया था। यह हमारे शहर के लिए बड़े ही गर्व की बात है। लेकिन फिर से ही ऐसे ही एक सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट। तो आप सोच रहे होंगे, इसमें नया क्या? दोस्तों, हमारे देश में किडनी फेलियर के पेशेंट की तादाद इतनी ज्यादा है कि आज किसी पेशेंट को किडनी की जरूरत है तो उसका नंबर करीब 5 से 6 साल बाद आएगा। तो ऐसे पेशेंट को डायलिसिस पे रखा जाता है, जो बहुत ही महंगा और वेदनादायक होता है। तो दूसरी बात, सोचो डोनर मिल भी जाता है तो ब्लड ग्रुप के कारण किडनी मैच नहीं होती। तो ऐसे समय ब्लड के प्लाज्मा एक्सटेंड करके दूसरे ब्लड ग्रुप की किडनी बिठाई जा सकती है। इसे ABO इनकम्पेटेबल किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। यही पेचीदा सर्जरी पहली बार औरंगाबाद शहर के धूत हॉस्पिटल में सक्सेसफुल की गई है। ये श्रेय मुंबई से आए डॉक्टर भूपेंद्र गांधी, जो बहुत ही सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर सुहास बाविकर, जो उत्कर्ष हॉस्पिटल औरंगाबाद के संचालक है, इन्हें जाता है। दोस्तों, ये ऑपरेशन किस तरह यशस्वी किया गया, आइए डॉक्टरों से ही सुनते हैं। मैं डॉक्टर भूपेंद्र गांधी हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट रिलायंस हॉस्पिटल एंड ब्रिज कैली हॉस्पिटल मुंबई। क्योंकि डॉक्टर बावेकर ने फर्स्ट टाइम औरंगाबाद में ABO इनकम्पेटेबल, जब भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है तभी भी फर्स्ट ट्रांसप्लांट औरंगाबाद में किया हुआ है। क्योंकि अभी किडनी पेशेंट, जब पेशेंट किडनी फेल हो जाती है तो उसके दो ही उपाय है, डायलिसिस, जिंदगी भर डायलिसिस करने का, जो दूसरा उपाय है किडनी ट्रांसप्लांट करने का। किडनी ट्रांसप्लांट करने में जो फैमिली किडनी मिल जाती है, क्योंकि हम फैमिली किडनी ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि आउटसाइड डोनर अलाउड नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। मगर अभी छोटी छोटी फैमिली है, व्हाट यू कॉल ए यूनिक फैमिली, फैमिली यूनिट्स आर स्मॉलर, सो दे कैन, कभी कभी ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है तो वो पेशेंट को जिंदगी पर डायलिसिस करना पड़ेगा। जिंदगी पर डायलिसिस करेंगे तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है और क्वालिटी ऑफ क्वान्टिटी ऑफ लाइफ डायलिसिस में इतना अच्छा नहीं होता है। तो दूसरा उपाय है उसको पेड किडनी ऑक्सचेंज, देखकर मेरा ब्लड ग्रुप मेरा फैमिली से नहीं होता, दूसरा पेशेंट का उसके डोवेक बाहर का पेशेंट का नहीं होता, हम उसका पेड एक्सचेंज कर सकते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। और तीसरा उपाय है कैडेवर और डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट। डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट जो मरा हुआ आदमी के ऑपरेशन कर कर हम बचा सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो बहुत इन्फेंसी स्टेज में है। अभी प्रसिद्ध हो रहा है, महाराष्ट्र में भी ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, मगर फिर भी इतना नहीं है। और बस जो वेटिंग लिस्ट है वो डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट में जाएंगे तो 3-4 साल लग सकता है। तो तीसरा उपाय है ABO इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं। वो ABO इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें ब्लड ग्रुप जो मैच नहीं होता है उसका एंटीबॉडी होता है पेशेंट में, वो एंटीबॉडी डोनर की किडनी मिलेगी तुरंत उसको अटैक करके किडनी खराब कर देते हैं। उसमें क्या हम करते हैं कि पेशेंट का जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा एक्सचेंज कर निकालते हैं, वो प्लाज्मा एक्सचेंज कर निकालते हैं और दूसरा एक नई दवाई आती है रिटुक्सिमेब करके आती है, वो दवाई देते हैं तो रिजेक्शन का रेट बहुत कम रहता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है अभी, और हम लोगों ने ब्रिज कैली हॉस्पिटल में, रिलायंस में और जसलोक में 125 ऐसा ऑपरेशन किया हुआ है। मगर लोग डरते हैं इसीलिए ये इतना प्रचलित नहीं हुआ है। करीबन इंडिया में 300 ट्रांसप्लांट सेंटर्स है और 30 सेंटर ऐसा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अब लोग बायो का अभी औरंगाबाद में चालू किया हुआ है, इसमें उसने अभी तक आज फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया है और अभी आज ही सुबह में ऑपरेशन किया है, और उसको अभी तक 1500 cc पेशाब भी हो गया है, इसे लगता है कि बराबर सब सही चल रहा है। उसको क्लोज मॉनिटर करना पड़ेगा 1-2 हफ्ते के लिए, वो सब सही होगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि पेशेंट सही हो सकता है। ABO इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट लोग डरते हैं, मगर मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफ़ी ऑपरेशन किया हुआ है और रिजल्ट अभी अच्छे आ रहे हैं। इसलिए मैं डॉक्टर बावेकर के और डॉक्टर हॉस्पिटल को धन्यवाद देता हूँ कि वो लोगों ने भी ये जो ऑपरेशन किया है, इसे किडनी पेशेंट के लिए काफ़ी फायदा होएगा और उसको अभी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। थैंक यू। कितने पेशेंट को अभी
जब ब्लड ग्रुप कंपेटेबल होता है उसमें 85-90% सक्सेस होता आता है एक साल में, तो ए बी अनकम्पेटेबल होएगा तो 5% कम बोल सकते हैं कम आ सकता है, मगर इतना ज़्यादा कम नहीं है। और 4-5 साल के बाद ए बी ओ कम्पेटेबल और इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आता है, इससे डरने की बात नहीं लगता है मेरे ख्याल से। और 1990 से इधर ट्रांसप्लांट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी तक 1175 ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ, मगर ये रक्त अक्रॉस ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट फर्स्ट टाइम किया है। डॉक्टर गांधी मेरे गुरु है और उनके गाइडेंस के अंडर ये सेफली हो गया है। तो अभी तक के ब्लड ग्रुप मैचिंग वाला ही हम लेते थे, मगर अभी डोनर शॉर्टेज की वजह से और ये किडनी का बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके लिए हर फैमिली में मैचिंग नहीं है डोनर तो भी अभी कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट कर सकेंगे, ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है। आज एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो गया, अभी हमको भी हिम्मत आ गई कि ये सर्विस अभी हर फैमिली को उपलब्ध होएगी और सेफली होएगी। ट्रांसप्लांट में ये ट्रांसप्लांट में मेरा अभी ऐसा एक्सपीरियंस है कि खर्चा ऑलमोस्ट डबल होता है, उसको कंडीशनिंग बोलते हैं, किडनी जो लेता है उसका सर ने जैसा बताया अभी एंटीबॉडीज निकालने का, और एंटीबॉडी हर एक आदमी अलग अलग तरीके से बनाता है, तो कोई ज़्यादा बनाता है कोई कम बनाता है, तो जो ज़्यादा बनाता है उसको ज़्यादा खर्चा आएगा, जो कम बनाता है उसको कम खर्चा आएगा, और एंटीबॉडी नहीं बनना बोल के दवा देना पड़ता है, वो दवा महंगी है, उसको ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख रुपये की इंजेक्शन देना पड़ेगा, और एंटीबॉडी तैयार हो रही है क्या बाद में एक महीना भर उसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, रोज़ उसका खून में वो एंटीबॉडी कितना है ये देख के अगर लगा तो वापस प्लाज्मा बदल के एंटीबॉडी का टाइटर बोले तो प्रमाण खून में नीचे रखने का, ये नेफ्रोलॉजिस्ट का जॉब रहता है। एक महीना गुजर जाने के बाद सर जैसा बोले वैसा वो किडनी और शरीर दोनों का संसार अच्छा चल जाता है, मैचिंग हो गया ऐसा बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं हम लोग, तो ब्लड ग्रुप जैसा सर ने बताया कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप पेशेंट का ही रहेगा, डोनर की किडनी वो ब्लड ग्रुप वाली ही रहेगी, मगर दोनों जैसा हस्बैंड मियाँ बीवी एडजस्ट हो जाते हैं वैसा ही एडजस्ट हो जाते हैं, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। पहली बार हुआ है, हमने हिम्मत किया, हमको बेसिकली डर ये है आजकल के दिन बुरे हैं, केसेस हो रहे डॉक्टर पे, पेशेंट लोग परेशान है, तो किडनी टेबल पे फेल होने के बाद जो म्यूज़िक है वो डॉक्टर्स बोल के मेरे को ही फेस करना था, इसलिए हम लोग टेंशन में थे, कामयाबी मिला तो इट्स अ सर्विस, फेल हो गया तो इट्स अ निग्लिजेंस, ऐसा आजकल का रूल है, तो वो रूल पे हम लोग डर रहे डॉक्टर्स लोग, तो इसके लिए जितना हो सकता है उतना सब केयर लेके, डॉक्टर गांधी हमारे गुरु है और इतना तजुर्बेकार आदमी सुपरविजन के लिए मिला, कल रात को आए वो और उन्होंने जैसा बोला वैसा हमने किया है, और गॉड्स ग्रेस हम लोग कामयाब हो गए। पिछले 20 वर्षों से सेठ नंदलाल दूत हॉस्पिटल में किडनी की समस्याओं से जूझ रहे पेशेंट्स के लिए किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भली भांति चल रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वह ये कि रोगी को समय पर डोनर नहीं मिल पाता है, या जो कैडेवर डोनर है उसकी व्यवस्था नहीं होती है। दोनों ही तरह के डोनर से जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए जो एक नया ऑप्शन पिछले कई वर्षों से डेवलप हुआ है वह है इनकॉम्पिटेबल ब्लड ट्रांसप्लांट करना। आज हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर भूपेंद्र गांधी जी के कुशल मार्गदर्शन में ऐसा ही एक केस भलीभांति पूरा हुआ। इस किडनी ट्रांसप्लांट के माध्यम से हम ये सभी जनमानस को सूचित करना चाहते हैं कि यदि आप डोनर को अरेंज नहीं कर पाते हैं अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, या कैडेवर के थ्रू मिलने वाले डोनर में आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर रहता है, तो ये एक ऐसा इनकॉम्पिटेबल सॉल्यूशन जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उपलब्ध है, ये थोड़ा दवाइयों की वजह से महंगा रहता है,
लेकिन ये भी एक सक्सेसफुल ऑप्शन है जिसकी उपलब्धता अभी सेठ नंदलाल दूत हॉस्पिटल में कराई गई है।